हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 10 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/4। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया वो, और उसके आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऐसी जगह इमेज बना रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हमारे को, 10 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, ठीक है, और जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, इमेज मैग्निफिकेशन हमारा है 1/4। तो हमें ये बताना है कि हमारा लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में विल यूज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशन। हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/v, सॉरी, 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। अब देखिए, लेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी 4x एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी। देखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कितना है, 4x है, और मैग्निफिकेशन हमको कितना दिया हुआ है, 1/4, और हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, v/u। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, v/4x इज इक्वल्स टू 1/4, यानी v की वैल्यू क्या आ गई, v इज इक्वल्स टू x। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का 4x डिस्टेंस है, तो इमेज का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 3x डिस्टेंस, ठीक है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इससे हम लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। x क्या गया हमारा, x इज इक्वल्स टू 10/3 सेंटीमीटर। अब u अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ लें, तो ये दोनों ही हमारे लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4x, और v क्या हो जाएगा, माइनस 3 ऑफ x। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/10 40/3, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा -30/3। वी कितना है, वी हो जाएगा -x, क्योंकि डिस्टेंस ये है x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दिस इज -10/3। u और v की वैल्यू आ गई, तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं फोकल लेंथ के, तो ये क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-10/3 माइनस ऑफ 1/-40/3 इक्वल्स टू -3/10 प्लस 3/40। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा f इज इक्वल्स टू -40/9 और -4.4 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई, -4.4 सेंटीमीटर, ये होगी हमारी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। तो अगर ऑप्शंस चेक करें, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4.4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी। तो आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।